नमस्कार दोस्तों, नव प्रभात कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेंस काल। देखिए, टेंस पढ़ने से पहले जो एक क्लास थी हमारी कल की, पीछे की क्लास, उसको आपको देखना अनिवार्य है क्योंकि वो आपको आना चाहिए। उसमें मैंने बताया था आपके सब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में अपन ने बात की थी। उन्हीं को समझने के बाद में अपन की प्रोसेस जो होती है आगे होती है। इसमें अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अपन टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, टेंस के अंदर जो फॉर्म्स काम में आती है, किस किस टेंस में क्या काम आते हैं, एडवर्ब पढ़ने वाले हैं टेंस की, किस टेंस में किस वाक्य का प्रयोग, किस वाक्य बनाया जाता है, इसके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो थोड़ा सा हर क्लास को देखिए क्योंकि ये सबसे लंबा टॉपिक है, लगभग 12 से 13 दिन का अपन का ये टॉपिक चलने वाला है। और आराम से एक दिन में एक टेंस करेंगे और उसको अच्छी तरह समझेंगे, उसका रिविजन करेंगे, आपको होमवर्क दिया जाएगा कार्य करने के लिए कि मतलब आप भी ज़्यादा से ज़्यादा हल कर सको। तो पहले बात करते हैं अपन टेंस की डेफिनेशन की। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, परंतु पहले हिंदी में समझिए उसके बाद में इंग्लिश में बताऊंगा। देखिए, टेंस क्या होता है। अपन टेंस का जो प्रयोग होता है केवल समय के लिए नहीं कर सकते हैं, परंतु समय के अंदर किया गया विशेष कार्य होना चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि मैं रहा हूं या मैं आज रहा हूं। अभी यहां पर ने बीच में कुछ नहीं दिया है, तो मैं आज रहा हूं, क्या रहा हूं, खेल रहा हूं, पढ़ रहा हूं, खा रहा हूं, नहा रहा हूं, धो रहा हूं, धा रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं, अपन को इस चीज के बारे में पता नहीं है, है ना। तो अपन को क्या, जैसे यहां पर आ गया मैं खेल रहा हूं, मैं आज खेल रहा हूं ना, मैं पढ़ रहा हूं, नहा रहा हूं, कपड़े धो रहा हूं ना, दौड़ रहा हूं, तो अपन को पता चल गया कि अपन का कार्य हो रहा है। कहने की बात यह है कि टेंस के साथ में अपने पास कुछ ना कुछ कार्य होना जरूरी है। अब टेंस की डेफिनेशन के बारे में अपन बात करें इंग्लिश में, देखिए टेंस इज नॉट पार्ट ऑफ टाइम, समय का एक भाग नहीं है केवल, बट इट इज पार्ट ऑफ वर्क एंड टाइम। तो समय एक टेंस जो है समय का भाग नहीं है, परंतु समय और कार्य का एक भाग है। समझ कहने की बात यह है कि समय के साथ में अपने पास कार्य भी होना जरूरी है। तो अपन टेंस की परिभाषा को अगर हिंदी में देखें तो अपन लिख सकते हैं कि टेंस केवल समय का विशेष भाग ना होकर विशेष समय के अंदर किया गया एक कार्य है। तो अपन इस प्रकार टेंस की डेफिनेशन को समझ सकते हैं। अब आती है टेंस के भाग। पहले अपन प्रकार के बारे में बात करते हैं, हाउ मेनी पार्ट ऑफ टेंस, है ना, हाउ मेनी टाइप ऑफ टेंस। तो टेंस के प्रकार कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट, वर्तमान काल, वर्तमान काल दूसरा होता है, पास्ट टेंस, भूतकाल, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल। देखिए, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। देखिए, समझिए थोड़ा इन तीनों को, तीनों में डेफिनेशन, तीनों में अंतर क्या है उसको समझिए अपन। प्रेजेंट टेंस का अर्थ होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी कोई समय अभी हो रहा है, अभी यानी अपन आंखों की पलक झपकते ही जो कार्य पूरा हो गया ना, वो अपन का भूतकाल में चला जाता है ना।
तो अपना प्रेजेंट इज, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मतलब वह जा रहा है, अपन का जो कार्य अभी हो रहा है, जैसे एक नैनो सेकंड जिसको अपन बोलते हैं समय का जो सबसे छोटा भाग है, उसके अंदर भी कार्य होके हो गया पूरा तो भूतकाल में चला जाएगा। यानी जैसे ये पंखा चल रहा है तो अभी, तो वो सब किस में आ जाएंगे, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल में। जैसे अब दूसरी बात आती है पास्ट टेंस में, मैंने बता दिया कोई भी चीज जो पीछे हो चुकी है, जो कार्य पीछे हो चुका है, जो समय बीत चुका है, उसके लिए अपन भूतकाल का प्रयोग किया जाता है। भूत, पहली चीज बोलते हैं भूत कौन होता है, जो पहले के समय में खत्म हो चुका होता है या पहले के समय में जो हुआ है वो हमारा भूत है। यानी जैसे मैं आज विद्यालय आया तो ये हमारा भूतकाल हो गया, जैसे मैं आज कॉलेज गया तो वो हमारा भूतकाल हो गया, मैंने पढ़ा, मैंने खाना खाया, तो सारा किस में हो गया, भूतकाल में। अब बात करते हैं अपन फ्यूचर टेंस के। फ्यूचर टेंस का होता है भविष्यकाल। भविष्यकाल का मतलब जो आगे आने वाला है, जैसे हम कल प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कल हम वहां जाएंगे, मैं वहां जाऊंगा, मैं आम खाऊंगा, सीता नाचेगी, तो कल संभावना, तो कल के बारे में है, तो क्या है, भविष्य काल। यानी कहने की बात है प्रेजेंट करते होता है वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, पास्ट भूतकाल जो बीत चुका है, और फ्यूचर भविष्य काल जो आगे आने वाला है। अब इनके अलावा जो इन प्रत्येक टेंस के हमारे पास चार भाग होते हैं, प्रत्येक टेंस के चार भाग अपने पास उपलब्ध होते हैं, उन भागों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। देखिए थोड़ा सा, अपन पूरे टेंस को पढ़ेंगे, उसके बाद में टेंस के सारणी पढ़ेंगे, टेंस सारणी जिसको बोला जाता है वो पढ़ेंगे लास्ट में, परंतु पर वो पूरा टेंस के बारे में पहला पढ़ना जरूरी है। तो पहले देखिए अपन चार भागों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला भाग होता है सिंपल। सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है सिंपल। इसको अपन इंडिफिनेट इंडिफिनेट कह सकते हैं। दूसरा होता है अपने पास कंटिन्यू कंटिन्यूस। तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यू। तो देखिए जो इंडेफिनेट है या सिंपल है उसको अपन बोलते हैं सामान्य काल। क्या बोलते हैं इसको अपन, सामान्य काल। इसको अपन बोलते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू का अर्थ क्या होता है, कंटिन्यू का अर्थ आप बता सकते हो अपूर्ण। कंटिन्यू का अर्थ क्या होता है, अपूर्ण। क्या होता है, अपूर्ण। कंटिन्यू का अर्थ होता है अपूर्ण। परफेक्ट का अर्थ होता है, परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण। परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण, और परफेक्ट एंट्री उनका होता है अपूर्ण निरंतर। देखिए थोड़ा सा समझिए इस चीज को। सिंपल या इनडेफिनेट, इनडेफिनेट करता है सामान्य, कोई चीज साधारण होती है, सामान्य होती है, उसके लिए अपन इस तरह से प्रयोग करते हैं। फिर होता है कंटिन्यू, अपूर्ण, ये जो कार्य अभी पूरा नहीं हुआ हो। परफेक्ट करता है जो कार्य पूर्ण हो चुका हो, और परफेक्ट कंटिन्यू यानी अपूर्ण, यानी पूरा भी नहीं हुआ और अभी चल रहा है, उसके अंदर इसको अपन ले सकते हैं। देखिए थोड़ा सा दोनों में अंतर समझिए। अपूर्ण यानी काम तो हो चुका है, सॉरी काम अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है और अभी बंद पड़ा है वर्तमान में, उसको अपन अपूर्ण बोलते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है पूरा भी नहीं हुआ और अभी काम चल रहा है, तो वो क्या हो गया, अपूर्ण नहीं। जैसे मेरे घर का कार्य चल रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अपूर्ण अभी पूरा नहीं हुआ और काम चल रहा है। मेरा घर अभी आधा बना है और कारीगर नहीं आ रहे हैं, तो क्या हो गया, अपूर्ण हो गया। बीच में काम उन्होंने अधूरा छोड़ दिया, तो क्या हो गया, अपूर्ण हो गया। तो इस प्रकार प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं, और इसका मतलब कितने भाग हो गए अपने पास, 3 × 4, तो कुल मिलाकर 12 भागों के बारे में अपन ने पढ़ना है। तो इन 12 भागों के बारे में अपन पढ़ के फिर उसके बाद में अपन लाइन से कंटिन्यू शुरू करेंगे। हर एक के बारे में अपन आराम से पढ़ेंगे, हर एक को ध्यान से पढ़ेंगे, हर एक को सीखेंगे, और इनके वाक्य भी आपको करने के ज्यादा से ज्यादा दिए जाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी क्लास, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।